था, एक बड़े फकीर से मैं मिला था, एक बड़े फकीर से मैं मिला था एक सफर में। उसने कहा, ब्रदर नदीम सरवर, जो कोने में बैठा होता है ना, वो ये समझता है कि मेरी कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, लेकिन क्या पता चौथे इमाम उसी को देख रहे हो। जब सुभान अल्लाह हो तो शामिल हो जाओ कि उनका जिक्र है, ये शामिल हो जाना चाहिए। अब शेर सुनिएगा, पेश कर रहा हूं कि आज तो अर्श मुअल्ला पे है रिंदों का दिमाग। आज सुबह से अजीब कैफियत थी, कल शब से अजीब कैफियत थी सरकार, लगता है ना कि कोई ईद है। कि आज तो अर्श मुअल्ला पे है रिंदों का दिमाग, कदम उठ रहे हैं। खरामा जितनी आंखें किसी और को देखने के लिए जमा हुई थी, अली को आते देखा तो कदमों में गड़ गई। अब शेर सुनिएगा, और एक आवाज आई, वो अलग लोग थे जो आए मगर लौट गए। इसको पलट के बोल देता हूं, वो अलग लोग थे जो आए मगर भाग गए। आए मरहब है कहां, अब जरा अंतर बोले भाड़ कर दी कालो फातह खैबर। नजर कर रहा हूं ये शेर, बुजुर्गों की नजर कर रहा हूं, शाह साहब शेर देखिएगा, नजाकत देखिएगा कि बाखुदा इस में नुसैरी की नहीं कोई खता। बाखुदा इस में नुसैरी की नहीं कोई खता। देख कर आते हुए मादर हैदर के कदम, देख कर आते हुए मादर हैदर के कदम, मुस्कुराती हुई दीवार बढ़ी अबू तालिब है।
सचाए फरजंद अबू तालिब है। ये जमाना जिसे अल्लाह का है बोले अब दूसरा शेर सुनिएगा मोहम्मदी से, चैलेंज कर रहा हूं पूरी दुनिया को, मोहम्मदी के तो है ही लोग हमारे सामने, पूरी दुनिया में चैलेंज कर रहा हूं। खास शेर सुनिएगा कि खाना काबा अजल ही से अली का घर है और सामने आए किसी और का हो घर बोले आए कर को जानते हैं, शायरी के हुस्न को समझते हैं, मिजाज को समझते हैं, लफ्जों से आशना होते हैं, महरम और ना महरम लफ्ज जिनके सामने हाथ बांध कर खड़े होते हैं, ये बड़े उसकी बातें हैं। तबला वही आकर सुनना जहां करके मैं पढ़ रहा हूं। शेर सुनिएगा, जब मौला अली पैदा हुए, मौला अली की विलादत हुई, मौला अली की विलादत हुई, सरकार साथ में आपकी गोद में आए, सरकार साथ में आपकी गोद में आए तो क्या हुआ कि हामिले वही रसूल अल्लाह, हामिले वही ये इलाही ने चुसाई है ज़बान, इल्म का शहर इसे इल्म का है मिले वही इलाही ने चुसाई है ज़बान, इल्म का शहर इसे इल्म का है दर बोले। और आखिर में दो मिनट की एक चीज, नाराज हो जाएंगे अली जी साहब, वो कह रहे थे कि बाबा मैं ये पढ़ूंगा तो थोड़ा सा ये पढ़ लें और इंशाल्लाह इख्तिताम कर, अगर आपने साथ दिया तो 3-4 मिनट आपके साथ और मेरे थे। मिली आमा मैं दूर
सरकार के कदमों में जगह पाई है, सारी दुनिया उसे कहती तेरा मौलाई है। और इश्क हैदर में ये लाजिम है, फना हो जाओ, इससे कम इश्क नहीं इश्क की रुसवाई है। इश्क हैदर में ये लाजिम है, फना हो जाओ, इससे कम इश्क नहीं इश्क की रुसवाई है। और जिनकी महफिल में मेरे मौला की बातें ना मिले, उससे अच्छी मेरी मौला मेरी तन्हाई है, उससे अच्छी मेरी मौला मेरी तन्हाई। और दार परमी समय तम्मा की मंजिल देखो, मौत बांधे हुए हाथों को चली जाए जिसने सरकार। और सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है सरवर। एक सवाल हमेशा भाई पढ़ रहे हो, हाँ कोई कारोबार कीता तो मैंने उनकी तरफ गौर से देखता था, गौर से उनकी तरफ देखा था। मैंने कहा भाई दूसरी कोई चीज रास ही ना है, रास जिसको इस दर की नौकरी आ जाए इसके बारे में सोचे ही नहीं कि बच्चों की रोटियां और तालीम कैसे होगा, उनके दर पे चलते रहे, इंतजाम खुद बखुद होता रहा। सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है सरवर, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई। सारी दुनिया उसे कहती तेरा मौलाई है। मिलके मेरे साथ जो फुकरा हैं, जो फकीर हैं, अब्बास के रोजे पे फकीरों की सफों में देखा तो कई आसमां वाले नजर आए, देखा तो कई आसमां वाले नजर आए। मेरे साथ मिल करके पढ़िएगा, याली 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 याली
लानतुल्लाह अला अदाएका या
लेकिन मैंने ये हाल देखा इमिग्रेशन की लाइन में, इमिग्रेशन की लाइन में जब सब लाइन में होते हैं, खुसूसन यूएसए इमिग्रेशन, तो कोई किसी को नहीं देख रहा होता, अपने ही देख रहा होता है। काश हम जिंदगी में भी ऐसे ही हो जाएं, आम जिंदगी में भी ऐसे ही हो जाएं। अब सब मेरे साथ मिल करके, बहुत शुक्रिया सुहेल, बहुत शुक्रिया ऋषिराजी शाह साहब, मोहम्मदी ट्रस्ट, आपने उन्हें बुलाया और मैं यहाँ पर आया। मेरी आंखों ने, आई इज़ द एक्सटेंशन ऑफ वीडियो, मेरी आंखों ने आपकी वीडियो बना ली है, मैं आपका गवाह हो गया हूँ, आप मेरे गवाह रहना, मैं आपका गवाह। हाँ जरूरी है, कब 18वां साल चला जाता है पता नहीं चलता, थोड़ी सी बातें, कब 18वां साल चला जाता है पता नहीं चलता, कब 45 साल का हो जाता है पता नहीं चलता, कब 50 दस्तक देने लगता है पता नहीं चलता, फिर एक दिन वो चला जाता है, बहुत दिन तक, बहुत दिन जीना है। अलम पे जा रहे थे एक साहब, किधर जा रहे हैं, अलम की ज्यारत, फिर 13 रजब, आज रात माशाल्लाह मौला अली का जश्न, आने का सुभान अल्लाह, मौला अली ने नहीं, बीबी ने नहीं, हजरत अब्बास ने नहीं, किसी ने नहीं, रस्ते में खान साहब एक फकीर ने रोक दिया, एक फकीर ने रोका, फकीर ने रोका और रोक के कहा कैसे जा रहे हैं, कहने अलम से जा रहे हैं, कहने तुझे पता है ये कौन है, वे शहंशाह वफा है, कहने अच्छा यकीन है, कहने हाँ, कहा तू बेवफा तो नहीं, कहने क्या मतलब, कहने वो कौन है जो दुपट्टे से आंसू पोंछ रही है, माँ है, बहन है, बेटी है, बीवी है, अल्लाह जो नजर आ रही है सामने वो मनाई नहीं जा रही, हुसैन की बहन को मनाने चला है, अपनी अम्मा समझ में आ नहीं रही, हुसैन की माँ को मनाने चले हैं। अगर घर वाले सर्टिफिकेट दे देना तो फिर आलम पे जाते हुए शर्मिंदगी नहीं होती, करबला जाते हुए शर्मिंदगी नहीं होती। कहते हैं आजकल कोई मोमिन नजर नहीं आता खड़े हुए, आजकल कोई मोमिन नजर नहीं आता। फकीर ने अपना सर उठाया, लाल रंग का चश्मा लेकिन लगा कर तू हरे रंग की घास देखने की कोशिश कर रहा है, मोमिन को देखने के लिए मोमिन की आँख चाहिए, जिस पे हराम की लेयर चढ़ जाए फिर समझ में नहीं आता कि हक कौन सा है ना हक कौन सा है। खुदा हमारी आंखों को महफूज रखे हुब्बे अली में, इंशाअल्लाह। पेश कर रहा हूँ मेरे साथ मिलकर के, पढ़दा कसीदा हमद अलीदा, पढ़दा कसीदा हमद अलीदा, मैं क्या दिखा
बच्चे बुलाई सारे तो निराली